कैमूर के दुर्गावती प्रखंड क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री में हो रहे प्रदूषण से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये फैक्ट्री सालों से चल रही है और उससे निकलने वाला प्रदूषित धुआं आसपास के किसानों के खेत में जाकर उनकी फसल बर्बाद कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनकी जमीनों को कम उपजाऊ बना रहे हैं। पंचायत विकास समिति की याचिका पर जांच करते हुए एनजीटी न्यू दिल्ली ने एनजीटी कोलकाता, एनजीटी उड़ीसा और कैमूर प्रशासन को एक समिति बनाकर और यहां पर भेजा था। यहां न्यू विस्टा डबल बुल सीमेंट कंपनी की जांच में कई कमियां पाई गई, जिसमें कि कई जगह से इनके जो बाउंड्री वॉल्स हैं वो लीकेज हैं और वहां से जो सीमेंट का जहरीला पानी है, डस्ट युक्त पानी है, वो खेतों में गिरता है, जिससे खेत बंजर हो रहे हैं। साथ साथ इनके जो सीमेंट के जो डस्ट्स हैं वो पौधों पर, मिट्टी पर पड़ते हैं, जिससे मिट्टी जो है बंजर हो रही है और जो यील्ड है, जो पैदावार है, वो आधी क्या 25% रह गई है। बाकी सारी पैदावार खत्म होती जा रही है। जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो खत्म हो रही है। इस संदर्भ में इन्होंने जमीन के सैंपल्स भी लिए हैं और वो सैंपल्स ये एनजीटी में ले जाके जाँच करेंगे और उसके साथ साथ जो उत्तर तरफ जो इनके पानी गिरते हैं उस पानी से सैकड़ों बीघे रैयत जमीन पूरा का पूरा तालाब और बंजर हुआ पड़ा है, जहां फसलें और पौधे तक सूख गए हैं। तो उन सारी चीज़ों को भी देखकर और इन्होंने न्यू विस्टा जो डबल बुल कंपनी है उनके लोकल मैनेजमेंट को ऑर्डर दिया है कि जो भी कमियाँ हैं उसको जल्द से जल्द अविलंब जो है सुधार लें। और उसके बाद ये सारी चीज़ों का उन्होंने जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट तैयार किया ग्राउंड जीरो पर आकर। और इसी के साथ साथ जो ग्रामीण किसान हैं, जिन जिन लोगों की ज़मीनें नुकसान बर्बाद हो रही हैं, उन लोगों से भी स्टेटमेंट लिया गया और उन लोगों की मिट्टी के नमूने भी लिए गए। छाव पंचायत विकास समिति ने इस मामले में पूर्व में दायर याचिका पर न्यू विस्का लिमिटेड की जाँच के लिए एनजीटी समिति पहुंची और निरीक्षण किया। इसमें एनजीटी कोलकाता जोन, एनजीटी उड़ीसा जोन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिहार सरकार के साथ साथ कैमूर प्रशासन शामिल है। डबल बुल सीमेंट के खिलाफ दी गई आवेदन पर एनजीटी ने कंपनी परिक्षेत्र का दौरा किया। कंपनी के अंदर और किसानों की जमीनों का भी जाँच किया गया। इस दौरान कई सैंपल्स के जाँच करने पर कुछ अनियमितताएं पाई गई। कंपनी के हानिकारक प्रदूषण के कारण किसानों का सैकड़ों एकड़ फसल हर वर्ष बर्बाद हो जा रहा है और प्रतिदिन जो किसानों का आय दर है वो घटते जा रहा है। मैंने खुद खेती किया था और लगभग 3 एकड़ में 12-13 कुंटल मात्र गेहूं हुआ। जितना मैंने लगाया था उस उतने का भी गेहूं नहीं हो पाया है और मैं मत्स्य पालन भी करता हूं। इसके रासायनिक हानिकारक डस्ट और प्रदूषण के कारण पूरी मछलियां हमारी मर गई। पेड़ पौधे हमने यहाँ एग्रीकल्चर में पर्यावरण संरक्षण के लिए लगवाया था, उसका भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। मैं सभी अधिकारी गण से निवेदन करूंगा कि इसका जांच कर और कंपनी के ऊपर कठोर कार्रवाई कृपा करने का प्रदान करें, ताकि इधर क्षेत्रीय के सभी किसानों को न्याय मिल सके और इस प्रदूषण से बचा जा सके। एनजीटी के अधिकारियों ने डबल बुल कंपनी के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी डस्ट उड़ रहा है उसके लिए तुरंत एयर प्यूरिफायर लगाकर इस डस्ट को बंद किया जाए। इसके अलावा कंपनियों के द्वारा छोड़े जा रहे सीमेंट युक्त पानी को तुरंत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाकर उस पानी को किसी दिशा में डाला जाए, जिससे जनजीवन सुरक्षित रह सके। ऐसा बात है कि इस कंपनी की वजह से दोपहर में लाइन बिजली विभाग दे रही है, तार टकराने की वजह से आग लग गया था, जिसमें सैकड़ों गेहूं जलकर राख हो गया। डंपर आया आग बुझाने के लिए, तो आग बुझाते समय पानी ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने कंपनी के तरफ रुख किया तो कई कंपनियों में घूमते हुए पानी का व्यवस्था कहीं भी नहीं था। ये लोग पानी जब तक नहीं दे पा सकते हैं तो और लोगों को क्या दे सकते हैं। ये अपनी किसानों को हो रहे असुविधा के बारे में और उसके प्रदूषण से हो रहे हानि के बारे में कुछ कहिए। किसानों का फसल बर्बाद हो रहा है, जो किसानों का लागत है वो भी नहीं आ पा रहा है। अगल बगल में पेड़ पौधे लगे हैं वो सूख रहे हैं, फसल का तो अलग ही बात है। एनजीटी में जो पीआईएल दायर किया गया है उसमें एक बिंदु मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिसमें कहा गया है कि सीमेंट कंपनियों के अंदर जो डस्ट जमे होते हैं वो बारिश के दिनों में बह करके खेतों में जाते हैं, खेतों से होकर
बहाव और नहरों द्वारा नदियों में जाते हैं और नदियों में जलीय जीवों को पूरी तरीके से हानि पहुंचाते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये अगल बगल खेतों को काफ़ी प्रदूषित करते हैं, यहाँ तक कि उसमें जो भी कीटाणु रहते हैं, मछली वगैरह जो भी रहते हैं सब मर जाते हैं, इतना इन लोग का खराब प्रदूषण का पानी रहता है, और नदी में जाता है तो वो भी प्रदूषण। पैदावार पर किस प्रकार से असर हुआ है इन कंपनियों? असर पड़ा है पैदावार पर। एनजीटी ने इस दौरान कंपनी के द्वारा सड़क किनारे पेड़ पौधे लगाए हैं उसे अतिक्रमण बताते हुए परमिशन लेने की बात कही है। इसके साथ ही जो भी चीजें अनियमित है उसको सुधार कर नियमित करने का आदेश दिया गया। कुछ समय वस्तु की जांच और सत्यापन बारिश के मौसम में होगा, इसके लिए पदाधिकारियों ने बारिश में आने का आश्वासन भी दिया है। वहीं इस जांच के दौरान विभिन्न पंचायत के स्थानीय जन प्रतिनिधि और क्षेत्र के विभिन्न किसान मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमूर से अजीत कुमार की रिपोर्ट।